हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनडी एडुवर्ल्ड। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल के बारे में। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और हम समझेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है और ये क्यों जरूरी होता है, और डीपी क्या कहलाता है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल इंडिया के दो डिपोजिटरीज हैं। अब ये डिपोजिटरी क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, डिपोजिटरी को हम बैंक ऑफ सिक्योरिटीज अगर कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहां सिक्योरिटीज को डीमेटलाइज्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। इन्वेस्टर्स को डिपोजिटरी में ही अपने अकाउंट खुलवाने होते हैं। मीन्स अगर किसी इन्वेस्टर ने कुछ शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स परचेज किए हैं, तो उसका रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में जो बैंक रखेगा, दैट इज नोन एज डिपोजिटरी। और हमारे इंडिया में ऐसे दो बैंक हैं, इनको बैंक ना कह के नाम दिया जाता है डिपोजिटरी, क्योंकि यहाँ पर हमारे सिक्योरिटीज डिपोजिट रहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट डीमैट अकाउंट। अभी डीमैट अकाउंट क्या है समझते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर पहली बार ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है तो उसका डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है। बिना डीमैट अकाउंट के वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। ट्रेडिंग मतलब बाइंग और सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग के लिए आपको एक अकाउंट की जरूरत है, दैट इज डीमैट अकाउंट। इस अकाउंट में ही हर इन्वेस्टर के द्वारा खरीदी गई सिक्योरिटीज डिजिटल फॉर्म में रखी जाती है। तो डीमेटलाइज्ड फॉर्म से ही नाम बना है डीमेट अकाउंट। अब सवाल उठता है कि ये डीमेट अकाउंट एक इन्वेस्टर कैसे खुलवाए। तो जवाब है डीपीज। अब ये डीपीज क्या होते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। मींस ये एक तरीके से बिचौलिए कह सकते हैं, वो आप इंटरमीडियरीज कह सकते हैं, जो इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करते हैं, मदद करते हैं डीमेट अकाउंट खोलने में। या यूं कहिए कि एक तरीके से डिपोजिटरी में अगर किसी इन्वेस्टर को अकाउंट खोलना है तो उसे किसी ना किसी डीपी से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन टू ओपन डीमेट अकाउंट डायरेक्टली विद डिपोजिटरी। किसी ना किसी रजिस्टर्ड डीपी के माध्यम से ही आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, रजिस्टर्ड जितने भी डीपीज होते हैं ये डिपोजिटरी में रजिस्टर्ड होंगे, चाहे वो एनएसडीएल में हो या सीडीएसएल में हो। और कौन हो सकते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये कुछ बैंक्स हो सकते हैं। आजकल कई सारे बैंक्स भी ये वाला काम करने लगे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हो सकते हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं, बट दे हैव टू बी रजिस्टर्ड with either of the two depositories working in India, NSDL and CDSL. किसी में भी वो registered हो, depository इनको allow करती है कि आप सारा legal procedure conduct कीजिए, demat account खोलने के लिए जो भी document चाहिए, pan card या address proof, photograph etc, form fill up कराइए, और आप इस services के लिए investor से charge भी कर सकते। और ये जो डीपीज होते हैं, दे नॉट ओनली ओपन द अकाउंट ऑफ एन इन्वेस्टर बट ऑल्सो प्रोवाइड दी मल्टीपल सर्विसेज टू दैम। क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, अगर आपकी कोई कंप्लेन है तो क्विक कंप्लेन रिजोल्यूशन ये आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं इफ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर एंड यू डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस स्टॉक्स। और जो ट्रेडिंग प्रोसीजर होता है, मीन्स किसी स्टॉक को परचेज करना या सेल करना, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। और इन रिटर्न डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चार्ज अ वेरी लिटिल ब्रोकरेज ऑन बाय और सेल ऑफ एनी स्टॉक। तो ये रोल होता है डीपी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस वक्त हमारी कंट्री में हजारों डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स इन डिफरेंट लोकेशंस ऑफ इंडिया। कहीं पर भी आप किसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं इनकी मदद से, और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू हैवंट स्टार्टेड यट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में दो ही डिपोजिटरी हैं, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। तो चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज लिमिटेड, ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डिपोजिटरी है, जो कि नवंबर 1996 में स्टार्ट हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और आज की डेट में
2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स, यानी कि डीमेट अकाउंट की हम बात करें तो 2.5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव डीमेट अकाउंट्स हैं एनएसडीएल के पास। और यहाँ पे हम डीपीस के रजिस्ट्रेशन की बात करें, देन अराउंड 278 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। इनके सर्विस सेंटर्स हैं जो कि 36,000 लोकेशंस में पूरे इंडिया में फैले हुए। और ये जो एनएसडीएल है ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, इसकी भी शेयर होल्डिंग है। इट इज प्रमोटेड बाय एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, HDFC बैंक, UTI, SBI एंड सिटी बैंक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट CDSL, दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये भी नेशनल लेवल का इंडिया का दूसरा डिपॉजिटरी है जो कि स्टार्ट हुआ था फरवरी 1999 में और इसके भी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। और लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये अनोखा ऐसा एक डिपॉजिटरी है जिसने अभी तक इस माइलस्टोन को टच किया है। 5.5 करोड़ इन्वेस्टर्स मींस इनके पास आज की डेट में 5.5 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट एक्टिव हैं और यहाँ 592 डीपीज रजिस्टर्ड हैं जो 20,500 लोकेशंस पर वर्क कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये भी कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें देन इट इज प्रमोटेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HDFC, LIC एंड कैनरा बैंक। तो दोस्तों NSDL एंड CDSL के बारे में समझने के बाद अब हम समझते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। तो अगर अंतर की बात की जाए तो केवल एक ही डिफरेंस यहाँ पर हमारे सामने आता है, दैट इज NSDL जो है उसका जो ऑपरेटिंग मार्केट है दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और CDSL का जो ऑपरेटिंग मार्केट है That is Bombay Stock Exchange. इसके अलावा इन दोनों डिपॉजिटरीज में कोई भी अंतर नहीं है, फिर चाहे आप सर्विसेज की बात कर लें या ऑथेंटिसिटी की बात कर लें या किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की नज़र से आप देखें तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। केवल डिफरेंसेस क्या हमारे सामने आते हैं, एक तो इनके ऑपरेटिंग मार्केट्स और दूसरा डिफरेंस ये कि NSDL पुराना है, 1996 में स्टार्ट हुआ था, CDSL 1999 में स्टार्ट हुआ। अगर हम सिमिलैरिटीज इनके बारे में समझना चाहें तो कोई भी DP इन दोनों में से किसी के साथ भी रजिस्टर्ड हो सकता है और मजेदार बात यह है कि दोनों में भी रजिस्टर्ड हो सकता है। और एक इन्वेस्टर अगर ट्रेडिंग करना चाहे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि NSDL का मार्केट NSE है और CDSL का मार्केट BSE है, तो इन्वेस्टर जिनके अकाउंट NSDL के साथ हैं वो BSE में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टर कैन ट्रेड इन बोथ द एक्सचेंजेस, बी इट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सिमिलैरिटीज हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन टर्म्स ऑफ सर्विस देयर इज नो डिफरेंस, यानी कि जो फंक्शन NSDL करता है वही फंक्शन CDSL भी करता है। अब इन दोनों के फंक्शंस को समझ लेते हैं, फंक्शंस कहें या सर्विसेज कहें बात एक ही है। तो जो सर्विसेज हैं NSDL और CDSL के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती हैं उनको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, बेसिक सर्विसेज एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज तो ये तो इनको करने ही हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज ये कुछ एक्स्ट्रा भी अपने इन्वेस्टर्स के लिए और अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के लिए, कॉर्पोरेट के लिए करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि बेसिक सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज आती हैं। तो बेसिक में हम देखेंगे अकाउंट मेंटेनेंस है, डीमेटरलाइजेशन है, रीमेटरलाइजेशन है, ट्रांसफ्यूशन है, इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर्स हैं, मार्केट ट्रांसफर्स हैं, ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स भी हैं, मार्जिन प्लेज भी हैं और कॉर्पोरेट एक्शंस भी। ये दोनों ही डिपॉजिटरीज के द्वारा इंडिया में फंक्शन किए जाते हैं। अभी इन सर्विसेज को हम डिटेल में भी समझेंगे, अब वैल्यू एडेड सर्विसेज में क्या क्या शामिल है वो समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें है ऑटोमेटिक डिलीवरी आउट इंस्ट्रक्शंस, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग, प्लेज हाइपोथिकेशन, प्लेज कहिए या हाइपोथिकेशन कहिए, SMS अलर्ट्स। तो चलिए अब हम इन सर्विसेज को डिटेल में समझते हैं। बेसिक सर्विसेज की बात की जाए तो पहली सर्विस जैसा कि अभी हमने देखा था अकाउंट मेंटेनेंस होता है। तो NSDL हो या CDSL हो दोनों को ही अकाउंट मेंटेन करने होते हैं और उसके लिए जो भी प्रोसीजर या फॉर्मेलिटीज की जाती हैं वो इनको परफॉर्म करनी होती हैं। एंड दे बोथ मेंटेन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट वन इज बेनिफिशियरी अकाउंट, जिसे हम डीमैट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, दैट इज मेनली फॉर इन्वेस्टर्स। सेकंड वन इज क्लियरिंग मेंबर अकाउंट,
ये उन मेंबर ब्रोकर्स के लिए होता है जो किसी एक्सचेंज से रिलेटेड है और वो एक्सचेंज पर्टिकुलर डिपोजिटरी से कनेक्टेड चाहे या तो वो NSDL के साथ कनेक्टेड होगा या CDSL के साथ कनेक्टेड होगा, तो उन मेंबर का अकाउंट उसी पर्टिकुलर डिपोजिटरी में होगा, राइट। थर्ड वन इज इंटरमीडियरीज अकाउंट, यानी कि ये अकाउंट होता है फॉर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, एक इन्वेस्टर जिसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाता है, उनके भी यहाँ डिपोजिटरीज में अकाउंट होते हैं विच आर नोन एज इंटरमीडियरीज अकाउंट। सेकंड बेसिक सर्विस प्रोवाइडेड बाय द NSDL एंड CDSL इज डीमैटराइजेशन। दोस्तों ये शब्द बार बार आ रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है। देखिए शुरुआत में जो शेयर्स और डिवेंचर्स दिए जाते थे कंपनीज द्वारा अपने इन्वेस्टर्स को, वो फिजिकल फॉर्म में दिए जाते थे, सर्टिफिकेट फॉर्म में दिए जाते थे जो पेपर पे होते थे, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद सेबी के द्वारा ये सोचा गया कि इन सब को क्यों ना इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर दिया जाए, तो तभी से प्रोसेस शुरू हो गया कि जिन भी इन्वेस्टर्स के पास सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में थी, मीन सर्टिफिकेट फॉर्म में थी, उनको कन्वर्ट किया जाने लगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, विच इज नोन एज डीमेटरलाइज्ड फॉर्म, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डीमेटरलाइजेशन। तो शुरुआत में NSDL ने अकेले ये काम किया और आज भी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जब 1999 में CDSL ओपन हो गया तो उसने भी ये काम किया और आज भी ये काम चल रहा है, लेकिन शुरुआत में बहुत ज्यादा करना पड़ा, अब थोड़ा कम हो गया है। आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि कई सारे इन्वेस्टर्स के पास शेयर के सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं और वो उनको डीमेटलाइज करा रहे हैं, उसका एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कंडक्ट करना इन डिपोजिटरीज का काम है, इन विच दे कन्वर्ट फिजिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ सिक्योरिटीज इनटू डीमेटलाइज्ड फॉर्म। अनदर बेसिक सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिपोजिटरी इज रीमेटलाइजेशन। जी हाँ, अगर आपके सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं डीमेटलाइज्ड फॉर्म में, अगर आप उनको वापस चाहते हैं रीमेटलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाना, या मे बी पॉसिबल कि आपको जो शेयर्स मिले थे, जैसे कि आज अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको जो शेयर्स मिलेंगे वो डीमेट फॉर्म में ही मिलेंगे, तो अगर उस फॉर्म में आपको मिले और अगर आप उनको कन्वर्ट कराना चाहते हैं फिजिकल सर्टिफिकेट फॉर्म में बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रीमेटरलाइजेशन, और ये डिपोजिटरीज इस प्रोसेस को भी कंडक्ट करते हैं। अंडर दिस दे हैव टू कन्वर्ट डीमेटलाइज्ड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट्स, यानी मटेरियल फॉर्म में फिर से आ गए, इसीलिए टर्म यूज किया गया रीमेटरलाइजेशन। नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिपोजिटरी इज ट्रांसमिशन। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों इसको, क्योंकि दो टर्म आते हैं, एक आता है ट्रांसफर और है दूसरा है ट्रांसमिशन। Transmission is different. How? In case of death, bankruptcy, marriage, inheritance of shareholder, it is mandatory by law that devolution of title to shares को conduct किया जाए। क्या मतलब होता है इसका? यानी कि अगर मान लीजिए किसी के father expire हो गए और उन्होंने किसी company के shares ले रखे थे और वो उनके नाम पे थे, अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कानूनन जो उनका उत्तराधिकारी है, जो उनका एग्जीक्यूटर है, उसका राइट बनता है, तो उसको सारे डॉक्यूमेंट जो उसके लिए जरूरी होंगे वो डिपोजिटरीज तक पहुंचाने होते हैं विद द हेल्प ऑफ DBs, और इस प्रोसेस को कंडक्ट करना, इसके लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन। तो डिपोजिटरीज ये काम भी करते हैं। नाउ नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिपोजिटरी इज इंटर डिपोजिटरी ट्रांसफर। ध्यान से समझना होगा हमें यहाँ पे, जिस तरीके से इंडिया में दो डिपोजिटरीज काम करते हैं, बाकी कंट्रीज में भी इस तरह के डिपोजिटरीज हैं और हमारे कंट्री में तो दो डिपोजिटरी हैं ही, तो इंटर डिपोजिटरी ट्रांसफर का मतलब क्या है कि किसी एक डिपोजिटरी में किसी डीमैट अकाउंट की सिक्योरिटीज को अगर ट्रांसफर करना है किसी दूसरी डिपोजिटरी के डीमैट अकाउंट में, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है दैट इज नोन एज इंटर डिपोजिटरी ट्रांसफर। तो डिपोजिटरी ये वाला फंक्शन भी परफॉर्म है। नाउ नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिपोजिटरी इज मार्केट ट्रांसफर्स। मार्केट ट्रांसफर क्या होता है? दैट एक्चुअली टेक्स प्लेस। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं या सेल करते हैं, अगर आप बाय करते हैं तो डेफिनेटली आपने किसी और इन्वेस्टर्स से शेयर परचेज किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी के डीमैट अकाउंट से सिक्योरिटीज आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होंगी, और अगर आप इनको सेल करते हैं तो यही प्रोसेस आपके साथ होगा, आपके डीमैट अकाउंट से सिक्योरिटीज किसी दूसरे
डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है आपका मार्केट ट्रांसफर। ऑब्वियसली डिपॉजिटरीज हैव टू परफॉर्म दिस फंक्शन एज दे आर द कस्टडियन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड दे आर होल्डिंग द डीमैट अकाउंट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी इज ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स, यानी ये वो ट्रांसफर है जो मार्केट ट्रांसफर में काउंट नहीं होते लेकिन ट्रांसफर तो है। कौन से ट्रांसफर इसमें शामिल होते हैं? डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम सब ब्रोकर और ट्रेड फॉर ट्रेड ट्रांजेक्शन, मीन्स जो ब्रोकर के भी सब ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर और सब ब्रोकर के बीच की जो ट्रांसफर की बात है, मीन्स एक ट्रांजेक्शन के बदले दूसरे ट्रांजेक्शन की बात है। तो ये ट्रांजेक्शन मार्केट में नहीं हो पाते, ये ऑफ मार्केट होते हैं और हमारे जो डिपोजिटरीज होते हैं वो इस ट्रांसफर को भी अलाउ करते हैं। नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी इज मार्जिन प्लेज। इससे पहले कि हम मार्जिन प्लेज को समझें हम पहले मार्जिन फैसिलिटी समझ लेते हैं। मार्जिन फैसिलिटी क्या होती है? अगर कोई इन्वेस्टर अपने ब्रोकर से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को परचेज करना चाहता हूँ, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू पे 100% अमाउंट, या मेरे पास अभी पूरा पैसा नहीं है, तो इन दैट केस जो ब्रोकर होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इन्वेस्टर वो उसको अलाउ करता है मार्जिन फैसिलिटी। उस केस में क्या होगा कि उसको सारा पैसा नहीं देना पड़ेगा, बहुत छोटा सा पैसा, या वो चाहे तो वो पैसा ना देके सिक्योरिटीज फॉर्म में पेमेंट कर सकता है। दैट स्मॉल अमाउंट और सिक्योरिटीज आर नोन एज मार्जिन, तो उसे मार्जिन पे करना पड़ता है। और बाकी जो उसके अकाउंट में प्रीवियस सिक्योरिटीज रखी हुई है उसके डीमैट अकाउंट में, उसके अगेंस्ट प्लेज करने का राइट उसे मिल जाता है। तो ये राइट मिलता है विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर एंड इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिट। नाउ अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी, दैट इज कॉर्पोरेट एक्शंस। अब ये क्या होता है? डिपॉजिटरीज कॉर्पोरेट को अलाउ करते हैं कि आपको अगर अपने इन्वेस्टर्स को कोई डायरेक्ट बेनिफिट देना है, मींस बोनस शेयर्स इशू करने हैं, या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आप रन कर रहे हैं, या डिविडेंड देना चाहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एम्प्लॉयज को स्पेशली स्टॉक्स ऑफर करना होता है एट सम रिड्यूस रेट, तो वो करना है, या डिविडेंड देना है, इस तरह के कुछ भी आप बेनिफिट्स देना चाहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, तो डिपॉजिटरी कहीं ना कहीं मदद करता है इन कॉर्पोरेट को ये सर्विसेज अपने इन्वेस्टर्स तक पहुँचाने के। राइट, सो इट वॉज ऑल अबाउट द बेसिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरीज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू एडेड सर्विसेज। अभी जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है इसमें पहली सर्विस आती है ऑटोमेटिक डिलीवरी आउट इंस्ट्रक्शन, इसको ऑटो डूज भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? डिपॉजिटरी ये भी फंक्शन परफॉर्म करता है कि इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं सिक्योरिटीज को डायरेक्टली पूल अकाउंट से डिलीवरी अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, वो भी ऑटोमेटिकली। मीन्स ये काम बहुत ही फास्ट वे में हो इसके लिए ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। अदरवाइज होगा क्या कि पहले इन्वेस्टर रिक्वेस्ट करेगा, फिर डीपी उसको फॉरवर्ड करेगा, फिर डिपॉजिटरी उसको वेरीफाई करेगा और फिर उसको ट्रांसफर करेगा। इट टेक्स अ ह्यूज टाइम, तो इसीलिए स्टॉक मार्केट द्वारा जो टाइम डिसाइड किया गया दैट इज टी प्लस टू डेज, और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब डिपॉजिटरीज ऑटोमेटिक डिलीवरी आउट इंस्ट्रक्शन वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वैल्यू एडेड सर्विस इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने शेयर्स पे, तो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है डिपॉजिटरीज के द्वारा। मीन्स विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरीज ओनली द डिविडेंड कैन बी ट्रांसफर्ड और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स इन देयर अकाउंट। अनदर वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी इज स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग। मीन्स जो इंटरमीडियरीज होते हैं हमारे, उनको अलाउ करता है डिपॉजिटरीज के आप जो स्टॉक्स हैं उन पर लेंडिंग एंड बोरोइंग वाले ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे ये फैसिलिटी केवल उन्हीं इंटरमीडियरीज के लिए अप्रूव की जाती है जो कहीं ना कहीं ऑथराइज्ड हैं सेबी के साथ सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1977 में। ओनली फॉर देम दैट इज वैलिड। वो क्या कर सकते हैं? ट्रांजेक्शंस के लिए अपने स्टॉक्स को बोरो और लैंड कर सकते हैं। Another value-added service provided by the depository is pledge or we can say hypothecation. इसमें होता क्या है कि अगर कोई इन्वेस्टर
अपनी उन सिक्योरिटीज को प्लेज करना चाहता है जो उसके डीमैट अकाउंट में है, तो वो कर सकता है. मीन्स ही कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ लोन अगेंस्ट द डीमैटलाइज्ड सिक्योरिटीज दैट ही हैज इन हिज डीमैट अकाउंट. बट उसके लिए कंडीशन है कि प्लेजर और प्लेजी दोनों का डीमैट अकाउंट सेम डिपोजिटरी में होना चाहिए. मीन्स अगर NSDL में ही उन दोनों का अकाउंट है जो प्लेज कर रहा है और जो प्लेज रिसीव कर रहा है, ओनली देन दिस इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट. सिमिलरली अगर CDSL में दोनों के डीमैट अकाउंट है तो ये संभव है. अनदर वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी इज SMS अलर्ट्स. जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं या नोटिफिकेशन कोई डिपॉजिटरी को भेजनी होती है इन्वेस्टर्स तक, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट SMS के थ्रू भेज दिए जाते हैं. दैट सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय बोथ द डिपॉजिटरीज इन इंडिया एट फ्री ऑफ कॉस्ट. नोटिफिकेशंस होते हैं कई तरह के, या OTP जनरेट होता है, तो हर चीज आपको SMS के माध्यम से भेज दी जाएगी और उसके कोई चार्जेस डिपॉजिटरीज नहीं लगाते. सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल अबाउट द NSDL एंड CDSL. आज हमने उनके फंक्शंस को भी पढ़ा. तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे. और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें. थैंक यू.